हेलो गाइस, दिस इज़ आर शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल स्कूल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के बारे में। तो गाइस, इसका जो कंटेंट है बहुत थोड़ा सा है, एकदम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट इसमें जो जितनी भी जानकारी डाली गई है, जितनी भी मैंने कवर की है आज की वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल है क्या। तो गाइस, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय यानी इंटरनेशनल स्कूल किसके लिए स्थापित किए जाते हैं। तो गाइस, ये किसके लिए स्थापित किए जाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बच्चों के लिए। जैसे दूतावास, हमारे देश का दूतावास दूसरे स्थान दूसरे देश में ओपन किया जाता है या स्थापित किया जाता है, तो वहाँ हमारे देश के जो लोग रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, या इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनके पास रहता है, तो उनके बच्चे जो हैं वो इस तरीके के स्कूल में पढ़ते हैं। यानी जो जो हमारे देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं, इंटरनेशनल किसी भी देश में जाते हैं, तो वहाँ वो पढ़ने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, ताकि उनको सुविधा हो सके उनके बच्चों को, जो इंटरनेशनल व्यक्ति होते हैं उनको, ताकि उनके बच्चों को सुविधा हो सके, उनको भी सुविधा हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल वो स्कूल भी स्थापित करते हैं। तो गाइस, ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बच्चों के लिए है। फिर नेक्स्ट है, आईबी का फुल फॉर्म क्या है। तो गाइज, आईबी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैचलरेट, इंटरनेशनल बैचलरेट यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये इंटरनेशनल बैचलरेट है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है यानी इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय यानी आईबी या इंटरनेशनल बैचलरेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गाइज, इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। और कब स्थापित की गई थी मुख्यालय यानी स्विट्जरलैंड जिनेवा में आईबी का मुख्यालय कब स्थापित किया गया था, तो 1968 में स्थापित किया गया था। कब, 1968 में स्थापित किया गया था। फिर गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की विशेषताएं हैं यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरनेशनल स्कूल की। फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय ऐसे व्यक्तियों के बच्चों के लिए होते हैं जो अपने देश से विदेश के किसी कंपनी में कार्यरत होते हैं। तो गाइस, जैसे दूतावास के अलावा जो अपने देश से जा कर के दूसरे देश में शिफ्ट होते हैं या दूसरे देश में उनको किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है। फिर उसके बाद है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े होते हैं। तो सही बात है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईबी से जुड़े होते हैं, अधिकांश विद्यालय आईबी से संबंधित होते हैं, तो ये उपयुक्त कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल कहाँ स्थित है। तो गाइस, डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल जो है यह मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। तो गाइस, जो डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल है, इसमें अगर एडमिशन दिलवाना है बच्चों का, तो 3 वर्ष से 18 वर्ष के स्टूडेंट का एडमिशन होता है इसमें। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में ड्यूच स्कूल बॉम्बे के रूप में हुई थी। ड्यूच स्कूल बॉम्बे को जर्मन विद्यालय मुंबई भी कहा जाता है। तो ये डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल एक जर्मन स्कूल है। तो गाइज, आज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल स्कूल है क्या और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।